गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज जो आधुनिक भारत का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण का है, मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी, फिर उसके बाद मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, फिर मैसूर और फिर उसके बाद सिख धर्म। ठीक, तो आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य। ठीक, मराठा साम्राज्य यानी शुरू करने से पहले आप एक थोड़ा इनके इतिहास जान लीजिए। कारण क्या था स्थापित करने का? इनका सबसे बड़ा कारण था मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकना। शिवाजी का मेन उद्देश्य था मराठा साम्राज्य का, समझिए कि शिवाजी का मेन उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, यानी दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक, अगर कारण पूछिए तो यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक, तो समझिए कि इस पे जैसे मराठा में जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए इसके जो संस्थापक थे वो शिवाजी महान थे। शिवाजी, उनका जन्म जो है कि 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। ठीक, उनका जन्म से क्वेश्चन आता है, उनके पिता का नाम क्या था, उनका राज्यरोहण, समझिए कि राज्यरोहण कब होता है और किससे किससे युद्ध करते हैं, वो सब महत्वपूर्ण का है, जान लीजिए थोड़ा सा एक बार इनके बारे में। तो इनके पिताजी थे, ठीक, इनके पिता शाहजी भोसले, ठीक, शाहजी भोसले थे। तो समझिए कि ये बहुत उतना महत्व के नहीं थे, उतना शक्तिशाली नहीं थे कि कोई नींव रख सके, लेकिन जब शिवाजी थे तो शिवाजी औरंगजेब के समकक्ष थे। शिवाजी औरंगजेब जो थे मुगल बादशाह, उनके समकक्ष थे। तो समझिए कि इनके पिताजी, माता, फिर इनके बाद में दो पुत्र होते हैं, समझिए दो पत्नियों से उत्पन्न होते हैं पुत्र होते हैं, तो फिर उनमें समझिए कि उत्तराधिकारी के लेके संघर्ष होता है उनमें भी। ठीक, शिवाजी के पुत्र के, ठीक, अब देखिए शिवाजी क्या करते हैं, समझिए कि औरंगजेब से, समझिए कि इन वो अपना इनके जो संरक्षक होते हैं, संरक्षक इनके गुरु कौन होते हैं, संरक्षक दादा कोणदेव, इनके दादा थे, देखिए गुरु, ठीक, गुरु रामदास, गुरु इनके रामदास होते हैं, ठीक, गुरु, और इनके संरक्षक दादा कोणदेव, ठीक, इनके दादा ही इनके संरक्षक होते हैं। अब समझिए कि ये राज्यारोहण कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्यारोहण बहुत बाद में करते हैं, मरने के करीब होते हैं, तो समझिए कि राज्यारोहण करते हैं 1774 ईस्वी में। ठीक, राज्यारोहण करते हैं कहाँ पे? रायगढ़ में, रायगढ़ में अपना समझिए कि राज्याभिषेक करते हैं। इनका जन्म देखिए, जन्म देखिए शिवाजी का शिवनेर में हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है और इनका समझिए कि राज्यारोहण कहाँ पे होता है शिवाजी का। ठीक, अब समझिए फिर उसके बाद क्या होता है, ये समझिए कि मुगल से समझिए कि एक संधि करते हैं, समय जीतते तो बहुत हैं, बहुत जीतते हैं, बहुत हारते हैं, तो मुगल से समझिए कि 1765 ईस्वी में पुरंदर की संधि करते हैं। ठीक, पुरंदर की संधि करते हैं 1665 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में राज्यारोहण करते हैं। ठीक, 1674 ईस्वी में, और समझिए कि पुरंदर की संधि करते हैं, पुरंदर की संधि करते हैं 1665 ईस्वी में। आपको बताए थे इसमें क्या था कि समझिए कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त जय सिंह और समझिए कि इनके मध्य, किसके, शिवाजी के मध्य एक समझिए संधि होती है। उस संधि में क्या होता है कि इनके पास, शिवाजी के पास 35 किले होते हैं, 35 दुर्ग होते हैं, 35 दुर्ग में से समझिए कि मुगल को ये 23 दुर्ग मुगल को दे देते हैं और अपने पास सिर्फ 12 दुर्ग रखते हैं। ठीक, फिर इनको क्या करता है, फिर शिवाजी संधि की अवहेलना करते हैं, संधि की अवहेलना करते हैं, फिर औरंगजेब इनको कैद में कर लेते हैं, किसको, शिवाजी को। लेकिन ये था कि शिवाजी से औरंगजेब बहुत प्रभावित थे, प्रभावित होकर के और शिवाजी को राजा की उपाधि दिए थे, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी को औरंगजेब राजा की उपाधि दिए थे। ठीक, यही छत्रपति शिवाजी, ठीक, राजा की उपाधि दिए थे, किसको, शिवाजी को। कौन दिया था राजा की उपाधि, राजा की उपाधि समझिए कि औरंगजेब दिए थे शिवाजी को। अब देखिए शिवाजी का प्रथम, सर्वप्रथम बीजापुर के, देखिए सबसे पहले विजय कौन करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए, देखिए आप शिवाजी का जन्म जो था 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर के किले में, और फिर जो इनके जो मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। ठीक,
1680 ईस्वी में मात्र समझिए कि कितने वर्ष, समझिए कि 50 वर्ष भी नहीं जी पाए थे, लेकिन ये था कि बहुत काम किए हैं, समझिए कि अपना प्रशासन स्थापित करते हैं। अब समझिए कि क्या प्रशासन में होता है, प्रशासन में एक शब्दावली आपको बता चुके हैं, अष्ट प्रधान की नियुक्ति करते हैं, मतलब 8 प्रशासनिक डिपार्टमेंट यानी कि 8 मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनका अलग अलग विभाग बताते हैं, ठीक। औरंगज़ेब इनको कैद कर लिए थे, इन्हीं को फिर आगरा के किले में रखे थे, फिर वहाँ से समझिए कि फिर भाग निकले थे टोकरी में बैठ करके, ठीक। अब देखिए शिवनेर के किला में इनका जन्म हुआ था, ठीक, शिवनेर के किले में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, ठीक, इनकी जो माता का नाम था वो जीजाबाई था, किसके माता, शिवाजी के, और पिता का नाम शाहजी भोसले, लेकिन ये गुरु रामदास थे, ध्यान दीजिएगा, आप जरूर इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, गुरु रामदास और संरक्षक पूछता है कोणदेव, संरक्षक कोणदेव थे, ठीक। ये राज्याभिषेक अपना कब किए थे, कौन, यही अपना राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक शिवाजी कब किए थे, ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में नहीं करते हैं, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करते हैं। इस रायगढ़ में जब राज्याभिषेक करते हैं तो इसके बाद मात्र एक युद्ध जीतते हैं, कर्नाटक का युद्ध, फिर उसमें समझिए कि उसके बाद समझिए वो भी 1679 ईस्वी में, और 80 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। आइए देखते हैं, 47 में रायगढ़ का विजय करते हैं और बाद में इसको राजधानी बना देते हैं, इसी रायगढ़ में, रायगढ़ में 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करते हैं, कब करते हैं, 1674 ईस्वी में, ठीक। इसमें मुगल काल में औरंगजेब थे। अब देखिए जो इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण का है वो सब हम बताते जा रहे हैं, सब आप नोट कर लेते जाइए, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि सन जो है, जो डेट है, यहाँ से डेट क्वेश्चन, डेट पूछता है, आपको डेट याद होना चाहिए, डेट कैसे पूछता है, वो सीक्वेंस वाइज पूछता है, ठीक। अब देखिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी ने मुगलों पे जब आक्रमण किया, मुगलों से जब युद्ध लड़े थे, तो उस समय मुगल का राजा कौन था, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब मुगल से युद्ध लड़े थे तो उस समय मुगल का राजा कौन था, मुगल का राजा उस समय शाहजहां था, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 57 में, 1657 में जुन्नार नामक स्थान पे मुगलों से इसी में प्रथम बार मुठभेड़ हुआ था शिवाजी का, ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार आ जाए कि शिवाजी से मुगल में जब मुठभेड़ हुआ था, लड़े थे, तो वो मुगल के राजा कौन थे, शाहजहां, 57 में देखिए शाहजहां रहते हैं, और 1658 में औरंगजेब आ जाते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है, लेकिन वास्तव रूप में मुगलों को सबसे पहले जो हराते हैं शिवाजी, सोच लीजिए शिवाजी कितना महान थे, शिवाजी मुगलों को हरा देते हैं, ठीक, 59 ईस्वी में औरंगजेब के प्रतिनिधि रहते हैं, उनको हरा देते हैं, ठीक। और समझिए एक शाइस्ता खां रहते, अफजल खां रहते हैं, अफजल खां सेनापति बीजापुर के, इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अफजल खां की हत्या, आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये डेट सहित लिख लीजिएगा, 1659 में अफजल खां की हत्या हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा, अफजल खां की हत्या किसके द्वारा, शिवाजी द्वारा, कब, 1659 ईस्वी में, ठीक। अब देखिए 1664 ईस्वी में शिवाजी की सूरत की प्रथम लूट, अब ध्यान दीजिएगा, इस समय यहाँ पे किसका शासन था, मुगल का शासन था सूरत में, गुजरात में, क्योंकि और अकबर जीत चुके थे इसको, तो यहाँ पे समझिए कि डेट वाइज क्वेश्चन 1664, अब ध्यान दीजिए, अब इधर देखिए 1664 भी इम्पॉर्टेंट है, 1764 भी इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर 1564 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए तीनों को, 1664 में सूरत की प्रथम लूट शिवाजी द्वारा, किसके कार्यकाल में, औरंगजेब के कार्यकाल में, ठीक। और जो 1564 है, 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक। अब देखिए 1764 में क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, जिससे अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए 1664 आया, दो डेट और याद हो गई आपको, इसलिए समझिए कि रिलेट करना बहुत जरूरी है,
इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो इतिहास में बहुत आसान है, इतिहास से आसान कुछ भी नहीं है, जो है बस उसको आप दिमाग में बिठाते जाइए। ठीक, यहां से समझिए कि 1664 की वजह से आपको दो डेट मिल गई, 1564 में बहुत बड़ा काम हुआ था, 1764 में बहुत बड़ा काम हुआ था। तो 1664 में सूरत की लूट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सूरत की लूट किसने किया था? तो शिवाजी ने, दो बार, एक तो 64 में और दूसरा 74 में। ठीक, अब देखिए, जब ये सूरत लूट लिए तो फिर क्या होता है, इन पे समझिए कि मुगल बादशाह औरंगजेब एक संधि आरोपित करते हैं, उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। अब समझिए कि संधि इतना इंपॉर्टेंट है जितना समझिए कि जो हम कल बताए थे इलाहाबाद की संधि है उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समझिए कि मुगल पहली बार किसी से बहुत बड़ी संधि करने जा रहे हैं। इससे पहले समझिए कि जहांगीर किए थे मेवाड़ की संधि, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये इतनी बड़ी संधि करते हैं शिवाजी से, समझिए कि सब कुछ समझिए कि बर्बाद कर देते हैं शिवाजी को ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समझिए कि मुगल की तरफ से, ध्यान दीजिए, मुगल की तरफ से जय सिंह जाते हैं। ठीक, पुरंदर की संधि, डेट सही आप याद रखिएगा। जय सिंह जाते हैं और शिवाजी मराठे की तरफ से अपने शिवाजी रहते हैं, और मुगल का नेतृत्व, ध्यान दीजिए, औरंगजेब नहीं किए थे, जय सिंह किए थे, यानी कि जय सिंह पूर्ण रूप से सफलता का कारण जय सिंह ही है। ठीक, इसमें होता क्या है कि समझिए कि शिवाजी के पास 35 किले रहते हैं, सोच लीजिए 35 किले रहते हैं, 35 दुर्ग रहते हैं। ठीक, तो उस 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगल को दे दिए और सिर्फ 12 दुर्ग अपने पास रखते हैं। ठीक, 35 में से 23 दुर्ग किसको दे देते हैं? मुगल को, और अपने पास 12 दुर्ग रखते हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी, ध्यान दीजिएगा, संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया जाया गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी के पुत्र मनसब प्राप्त किए थे कि नहीं किए थे, किए थे, 5,000 का मनसब, सबसे बड़ा। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनको मनसब किसने प्रदान किया था, तो औरंगजेब ने प्रदान किया था, औरंगजेब के दरबार में ये भेजे थे और 5,000 का मनसब प्रदान हुआ इनको। ठीक, अब देखिए, मुगलों द्वारा बीजापुर तथा गोलकुंडा अभियान के दौरान शिवाजी सहायता करेंगे। ध्यान दीजिए, ये कहा गया कि शिवाजी सहायता करेंगे, जबरदस्ती इन पे थोपा गया, लेकिन शिवाजी ऐसा वहां तो मान जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है शिवाजी बहुत चालाक, बहुत चतुर व्यक्ति थे। ठीक, बहुत चतुर थे, क्योंकि लंबाई में समझिए कि बहुत छोटे थे, और समझिए कि उनको औरंगजेब समझिए कि पहाड़ी बिल्ली कह के पुकारते थे, पहाड़ी बिल्ली कह के पुकारते थे। क्यों? क्योंकि समझिए कि एक गुरिल्ला युद्ध की नीति जो होती है, समझिए कि ये शुरू करते हैं, ठीक, ये शुरू करते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम समझिए कि, और इस मतलब सबसे ज़्यादा गुरिल्ला युद्ध यही किए हैं। ठीक, गुरिल्ला युद्ध मतलब क्या है कि छुप करके किसी को किसी पे वार करना, यानी कि डायरेक्ट समझ रहे थे शिवाजी, मुगल से हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। फिर देखिए, ये कहते सहायता करेंगे, लेकिन जब ये सहायता नहीं करते हैं शिवाजी मुगलों की, तब शिवाजी को जयपुर भवन आगरा में, ठीक, कैद कर लिया जाता है। फिर इनको कैद करके जब दरबार में ले जाया जाया जाता है, तो आपको बता दें इसमें क्या होता है कि ये किसी मतलब बताए ना, बहुत चालाक थे, तो ये क्या करते हैं कि एक टोकरी में बैठ करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक, फिर मुगलों से उलझते नहीं हैं, फिर देखिए उलझते नहीं हैं। देखिए, सूरत की दोबारा लूट 1664 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सूरत को किसने लूटा था, बस मात्र एक व्यक्ति, जो शिवाजी शिवाजी ने लूटा था। ठीक, अब आइए देखिए, रायगढ़, आपसे बताया था नहीं, रायगढ़ इनकी राजधानी थी, रायगढ़ इनकी राजधानी थी, किसकी? शिवाजी की। तो अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करते हैं? 1674 ईस्वी में समझिए कि अपना राज्याभिषेक करते हैं, कहाँ पे? रायगढ़ में, ध्यान दीजिए, एकदम अंतिम क्षण में अपना राज्याभिषेक करते हैं। ठीक, कहाँ पे? रायगढ़ में। जो इनका राज्याभिषेक कराता है वो ब्राह्मण कौन था? गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण, समझिए कि इनका राज्याभिषेक कराता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए कि जितने लोग हैं,
सब समझी, जैसे पूर्ण देव, राम रामदास और गंगा भट्ट, ठीक। ये तीनों व्यक्ति महत्व के हैं, ये संरक्षक दादा कोणदेव, ये समझिए गुरु, और ये समझिए कि राज्याभिषेक कराने वाले, जो जो इनका राज्याभिषेक कराते हैं गंगा भट्ट, ठीक। ये समझिए कि आप एक जगह लिख लीजिएगा, फिर उनको बार बार आप देखिएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, 1679 ईस्वी में ये जिंजी किले का अभियान करते हैं, और इनका अंतिम अभियान है। समझिए कि इनका अंतिम अभियान वैसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे समझिए कि अकबर का अंतिम विजय पूछा जाता है, ठीक। अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ का किला था, और इनका अंतिम विजय कर्नाटक था, कब, 1679 ईस्वी में, यानी कि राज्याभिषेक के बाद ये मात्र एक युद्ध जीतते हैं, और समझिए कि इनकी मृत्यु हो जाती है, कैसे, स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, किसी से लड़ते हुए नहीं मारे जाते हैं, फिर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। फिर समझिए कि इनका प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक से जो क्वेश्चन, इनसे राजनीतिक से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इनके प्रशासनिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। फिर समझिए क्या होगा, फिर अंग्रेजों का कार्यकाल आ जाएगा, तो फिर अंग्रेज समझिए कि आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तीन आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तो इनमें समझिए कि इन पर थोपा जाएगा, तो अब इसके बाद क्या पढ़ना है, आंग्ल मराठा युद्ध प्रशासन, देखिए इनका शिवाजी का प्रशासन, ठीक। शिवाजी का प्रशासन तो बहुत महत्वपूर्ण का है, देखिए कि शिवाजी ने की सहायता से परामर्श के लिए 8 मंत्री होते थे, ठीक। अब इस 8 मंत्री को अष्ट प्रधान कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा, अष्ट प्रधान किसकी शब्दावली है, शिवाजी की है, ध्यान दीजिए, अष्ट प्रधान, ठीक। अष्ट प्रधान ये शिवाजी का है, शिवाजी महान, शिवाजी, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होते थे, 8 मंत्री शामिल थे, इस 8 मंत्री में कौन कौन शामिल थे, जो पूछता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछता है अष्ट प्रधान किसकी देन है, तो शिवाजी की देन है, लेकिन यहां पे आप नोट करके एक देख लीजिएगा, अष्ट दिग्गज किसकी देन है, अष्ट दिग्गज समझिए कि कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि, ध्यान दीजिएगा, 8 तेलुगु कवि, अष्ट दिग्गज, ठीक। अष्ट प्रधान शिवाजी का, और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय का है, ठीक, आया समझ में। अब फिर जैसे नवरत्न है, नवरत्न 2 लोगों के दरबार में थे, एक तो विक्रमादित्य के, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, और दूसरे नवरत्न जो थे समझिए कि अकबर महान के दरबार में, भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अगर अष्ट प्रधान पूछ दे तो शिवाजी, और अष्ट दिग्गज पूछ दे तो कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, ठीक। आइए देखते हैं फिर इसको, फिर देखिए जो 8 मंत्री थे, अष्ट प्रधान थे, उनको कहा क्या जाता था, पेशवा, ध्यान दीजिए, पेशवा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था, सबसे ऊंचे पद था, यानी शिवाजी के बाद पहला पद जो था वो पेशवा का था, पहला पद पेशवा, यानी प्रधानमंत्री, वजीर, अमात्य मतलब वित्त मंत्री, अब डायरेक्ट याद करिएगा, अमात्य किसको कहा जाता था, वित्त मंत्री को कहा जाता था, ठीक। अब जो वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग था, अब सुमंत, वेरी इंपॉर्टेंट, सुमंत ये विदेश मंत्रालय था, सुमंत को आप जरूर याद करिएगा, सुमंत मतलब विदेश मंत्रालय, ठीक। अब देखिए सचिव प्रचार विभाग, अब देखिए इन जब ये मरे थे तो इनके राजा राम का अल्पवयस्क पुत्र था, राजा राम जो था, यह राजा राम का अल्पवयस्क पुत्र, ठीक, पुत्र था, और उसकी माता ताराबाई उसकी संरक्षिका थी, ठीक। अब समझिए, अब देखिए
अब देखिए शाहू जी, अब ध्यान दीजिएगा शाहू जी, इसके पहले संभाजी आते हैं। संभाजी, संभाजी क्या होते हैं, उनके पुत्र रहते हैं और संभाजी को औरंगजेब समझिए कि फांसी दिलवा देते हैं। ठीक, संभाजी को क्यों, क्योंकि इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, इसलिए संभाजी और उनके कवि कलश, कलश को वो मरवा देते हैं औरंगजेब। ठीक, क्यों मरवाते हैं, क्योंकि औरंगजेब के पुत्र थे अकबर, समझिए कि विद्रोह खड़ा कर दिए थे, जो समझिए कि संभाजी से बहुत प्रभावित थे। ठीक, फिर देखिए, फिर उनके ताराबाई आते हैं, फिर शाहू जी, शाहू जी। ठीक, अब शाहू जी के बारे में जानिए पहले क्या है। शाहू जी 1707 ईस्वी से 49 ईस्वी तक रहते हैं। अब इनके कार्यकाल में सर्वाधिक, मराठा का सर्वाधिक विस्तार होता है शाहू जी के कार्यकाल में। ठीक, अब शाहू जी में सर्वाधिक विस्तार तो होता है, ठीक, सर्वाधिक विस्तार होता है शाहू जी के कार्यकाल में। ठीक, सर्वाधिक विस्तार होता है शाहू। अब शाहू जी क्या करते हैं कि अपने कार्यकाल में पेशवा नियुक्त करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले पेशवा बालाजी, बालाजी विश्वनाथ बालाजी, फिर बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद ऐसे करते करते जाते हैं वो। ठीक, अब लेकिन इस में नहीं रहते हैं। अब शाहू जी कौन है, ध्यान दीजिएगा, शाहू जी संभाजी के पुत्र हैं, शाहू जी संभाजी के पुत्र हैं, ये समझिए कि उनके 7 वर्ष की आयु में, जब ये 7 वर्ष के थे, तो इनको औरंगजेब के दरबार में कैद किया गया था शाहू जी को। शाहू जी को जब मुअज्जम, जब समझिए कि बहादुर शाह शासक हुए, तब इनको रिहा कर देते हैं, किसको, शाहू जी को। तो आइए जब शाहू जी को पढ़ते हैं। ठीक, अब शाहू जी से बस यही जानिए कि क्या कैसे क्वेश्चन आता है, ये जानिए। शाहू जी द्वारा सर्वाधिक विस्तार हुआ मराठा के कार्यकाल में। अब समझिए, शाहू जी सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। अब सतारा को राजधानी अपनी बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में है। समझिए कि 1708 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक, अब समझिए, एक पद देते हैं सेना करटे, यानी सेनापति नियुक्त करने वाला, सेना करटे। अब प्रथम सेना करटे बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक, बालाजी, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर विश्वनाथ, ऐसे माधव राव, ऐसे आते हैं, अभी देखिए सब बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, इस 1713 ईस्वी में पेशवा बन गए, कौन पेशवा बन जाते हैं, बालाजी। यानी कि बालाजी जब पेशवा बनते हैं 1713 से 1719 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा 1719 ईस्वी में ये बन जाए, लेकिन सर्वाधिक शाहू जी के समय में सर्वाधिक विस्तार किया गया और पेशवा वंशानुगत हो गया। ठीक, आइए आइए अब समझिए, हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि आंग्ल मराठा संघर्ष, इसका मतलब है अंग्रेज और मराठों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था, ध्यान दीजिए, समझिए कि तीन हुए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तृतीय में क्या किया गया था, पेशवा पद ही लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1818 ईस्वी में पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से मराठा की समाप्ति हो जाती है। ठीक, आइए देखते हैं, 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हो गई। ठीक, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य, यानी मराठा और इनके, अगर ऐसे आ जाए कि सूरत की संधि किसके किसके मध्य हुई है, तो सूरत की संधि जो होती है मराठा और समझिए अंग्रेजों के मध्य हुई है। कब, 1775 ईस्वी में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा है, कई बार पूछा है, समझिए कि मैचिंग में देता है, सिक्वेंस में देता है, अरेंज करने के लिए। ठीक, अब देखिए, एक अब से बताएं ना, तीन युद्ध होता है, तो अब देखिए प्रथम युद्ध क्या है, प्रथम युद्ध कब होता है, तो डेट सही याद, इसको डेट सही आपको याद करना है। ठीक, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द फिर समझिए मैसूर का युद्ध भी होता है। ठीक, इसी के इर्द गिर्द मैसूर का युद्ध होता है, यानी हैदर अली की इस समय समझिए कि शिरकत हो जाती है इतिहास में, भारतीय इतिहास में हैदर अली भी साथ साथ चलेंगे अभी। ठीक, अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सबसे पहले जानिए कि ये समझिए होता है 1775 से 1782 ईस्वी में। ठीक, 1782 ईस्वी में
इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, वही वारेन हेस्टिंग जो समझिए कि 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति किए थे, 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति किए थे, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि क्यों, कारण क्या है। सूरत की संधि का विरोध, कौन किया विरोध, ध्यान दीजिएगा, सूरत की संधि के विरोध में नाना फडणवीस ने 1776 ईस्वी में कलकत्ता काउंसिल में पुरंदर की संधि कर ली। अब ध्यान दीजिए, पुरंदर की संधि कर ली, यानी कि एक तो पुरंदर की संधि तब होती है, एक पुरंदर की संधि 76 में होती है, ठीक, कर ली। अब संधि के अनुसार समझिए कि पहला युद्ध हो गया। अब युद्ध में समझिए कि क्या होता है, युद्ध का समझिए कि तीनों युद्ध में परिणाम पूछता है, संधि पूछता है, किस संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि साल बाई नामक संधि से, आप नोट कर लीजिएगा, साल बाई नामक संधि से 1782 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति हो गई, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है सालबाई नामक संधि से, ठीक। अब देखिए इसमें, देखिए आपको याद क्या करना है, मात्र दो चीज याद करना है कि एक डेट, जब डेट याद हो जाएगी तो उस समय वारेन हेस्टिंग थे, और जो संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा की संधि होती है तो सालबाई की संधि से युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक। अब देखिए द्वितीय मराठा आंग्ल मराठा, ठीक, 1802 ईस्वी से 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, ठीक, 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक द्वितीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो किसके कार्यकाल में होता है, लॉर्ड वेलजली के कार्यकाल में होता है, लॉर्ड वेलजली के कार्यकाल में होता है। इसमें समझिए कि बहुत सारी संधियां होती हैं, ठीक। तो इसमें जैसे कौन कहाँ के थे, पेशवा, जैसे पेशवा ये सतारा के थे, फिर उसके बाद समझिए कि गायकवाड़ कहाँ के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के थे, फिर उसके बाद सिंधिया कहाँ के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे, और फिर होलकर कहाँ के थे, होलकर इंदौर के थे, ठीक। इसी में भी देखिए पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए द्वितीय युद्ध की जो होती है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के मध्य 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई जो सहायक संधि थी। अब देखिए युद्ध का कारण क्या है, सहायक संधि स्वीकार न करने के कारण, अब जो वेलजली होते हैं, वेलजली को सहायक संधि का भारत में जन्मदाता कहा जाता है, सहायक भारत में, सोचिएगा सहायक संधि का उस तरह से तो डुप्ले है, अगर भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है तो समझिए कि वेलजली है, ठीक, जिस जो समझिए कि अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था, अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था, समझिए, ठीक। तो समझिए कि बहुत, समझिए कि खतरनाक व्यक्ति था वेलजली, जो था बहुत खतरनाक व्यक्ति था, है टीपू सुल्तान को तो मार ही देता है, वेलजली जो टीपू सुल्तान को 1799 ईस्वी में मार देता है, ठीक। और भारतीय प्रेस पे समझिए कि सेंसरशिप लाता है, ठीक। अब देखिए ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है, अब बसीन की संधि, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बसीन की संधि किसके किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था, तो 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुआ था, किसके मध्य, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य, ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, समझिए कि आपसी क्षेत्र दोनों वापस कर देते हैं, जो समझिए अंग्रेजों के पास जीते रहते हैं, अंग्रेज समझिए इनको दे देते हैं, और समझिए कि इसके बाद समझिए कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो समझिए, जान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें समझिए कि इस युद्ध, इसमें बाजीराव द्वितीय को पेशवा का पद अब समाप्त कर दिया जाता है, वो अंतिम पेशवा थे, अब इस युद्ध के बाद, तृतीय संधि के बाद, अब समझिए कि पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। आइए देख लीजिए एक बार इसको, मराठों के अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मराठा साम्राज्य पर पिंडारियों के समर्थन देने का आरोप लगा कर युद्ध प्रारंभ किया, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, और अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर बिठूर भेज दिया। ध्यान दीजिएगा कि इस समय बाजीराव द्वितीय थे, ठीक, बाजीराव द्वितीय थे, यानी कि 1818 ईस्वी में अब समझिए कि पेशवा का पद ही समाप्त हो गया, ठीक, हेस्टिंग द्वारा,
लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। ठीक, अब जो यहाँ पिंडारी, ध्यान दीजिए पिंडारी, पिंडारी कौन थे? ठीक, ये माना जाता है पिंडारी, समझिए कि वो आक्रमणकारी थे। ठीक, आक्रमणकारी थे, ये माना जाता है कि एक वासुल थे, एक वासिद अली थे, समझिए कि इन लोग, ये समझिए कि इनका सहयोग किए थे बाजीराव का, तो इसलिए माना जाता है पिंडारी का सहयोग किए, इसलिए हम आप पे आक्रमण करते हैं। लेकिन अब क्या कि अंग्रेज को कुछ ना तो कुछ कारण चाहिए भारत को सत्ता से हटाने के लिए। देखिए, मुगल को पूर्ण रूप से हटा चुके हैं और अपनी नियंत्रण, समझिए बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से बैठ चुके हैं। ठीक, पूर्ण रूप से ये समझिए भारत में स्थापित हो गए हैं। अब समझिए किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्यों? क्योंकि फ्रांस को हरा चुके हैं, फ्रांस को समझिए कि यहाँ से समाप्त कर चुके हैं, डच को समाप्त कर चुके हैं, पुर्तगाली को समाप्त कर चुके हैं। ठीक, एकमात्र समझिए कि यूरोपीय, यूरोपियों में बस ये बचते हैं कौन? अंग्रेज। ठीक, अब देखिए मैसूर, मराठा के बाद आते हैं मैसूर। अब मैसूर में देखिए क्या होता है, मैसूर में देखिए हम आपको पढ़ना क्या है, समय हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक, एक बार आप जान लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद बता रहे हैं। हैदर अली, हैदर अली, ठीक, हैदर अली के बारे में जान लीजिए, ये समझिए बहुत शक्तिशाली सेना थे, सेनानायक थे, बहुत शक्तिशाली सेनानायक थे। ये समझिए बिना पढ़े लिखे थे, ये निरक्षर थे। ठीक, ये निरक्षर थे। अब समझिए कि ये फ्रांस के, जो फ्रांस इस समय थे, ये फ्रांस के मित्र थे, फ्रांस के सहयोग से बहुत कुछ भारत में करते हैं। ठीक, फ्रांस के सहयोग से बहुत कुछ भारत में करते हैं। समझिए कि अपना, समझिए कि एक शस्त्रागार, एक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं, कहाँ पे? डिंडीगुल में, डिंडीगुल में अपनी एक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। डिंडीगुल यानी कि तमिलनाडु में एक नगर है डिंडीगुल, वहाँ पे अपना शस्त्रालय यानी कि शस्त्र बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना करते हैं। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के सहयोग से करते हैं। तब इनसे अंग्रेज क्यों चिढ़े थे? क्योंकि अब से बताए थे ना वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, जो समझिए कि 1760 ईस्वी में, इसमें क्या होता है कि समझिए कि अंग्रेज और फ्रांस, फ्रांस अंग्रेज ने फ्रांस को पराजित कर दिया। तब ये समय हैदर अली फ्रांस का सहयोग ले रहे थे और उनका फ्रांस को सहयोग दे रहे थे, और अपनी समझिए बंदरगाह जो थे, माही बंदरगाह जो था, वो समझिए कि हैदराबाद में माही बंदरगाह दे फ्रांस को दे रहे थे व्यापार के लिए, इसलिए अंग्रेज इनसे चिढ़े थे। अब चिढ़ने के कारण क्या था कि समझिए कि चार आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो यहाँ पे देखिए आप, चार होता है, देखिए प्रथम हैदर अली के समय में होता है। ठीक, हैदर अली के समय में होता है और हैदर अली जीत जाते हैं, किसको? अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं, यानी कि भारतीय इतिहास में अंग्रेजों को पराजित करने वाला व्यक्ति जो है वो हैदर अली है। ठीक, हैदर अली है, यानी कि अंग्रेजों को प्रथम में, समझिए कि हैदर अली ने, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया, यानी कि अंग्रेजों को हराने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हैदर अली हैं। ठीक, पहले में, फिर जब युद्ध हो जाता है तो समझिए कि मद्रास की संधि होती है। ठीक, पहला जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो समझिए कि मद्रास की संधि होती है, कब? 1769 ईस्वी में। ठीक, 1769 में मद्रास की संधि होती है। ठीक, तो इसी संधि को प्रतिरक्षात्मक की संधि कहा जाता है, प्रतिरक्षात्मक की संधि कहा जाता है। क्यों प्रतिरक्षात्मक की संधि कहा जाता है? ये कहा जाता है कि इसमें अंग्रेज अपने आप को बचाए थे, यानी कि जो ये हैदर अली थे बहुत बुरी तरह से इनको हरा दिए थे। ठीक, अब देखिए दूसरा, दूसरा आंग्ल में, दूसरा आंग्ल
मैसूर युद्ध, अब ध्यान दीजिए 1779 से 84 ईस्वी तक, अब ध्यान दीजिएगा जो दूसरा होता है ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें दो फेज में होता है। पहले फेज में हैदर अली बहुत बुरी तरह से हेक्टर मुनरो जो समझिए कि प्लासी का युद्ध का विजेता था, प्रथम चरण में हेक्टर मुनरो को हैदर अली पराजित कर देते हैं ठीक। हैदर अली हेक्टर मुनरो को पराजित कर देते हैं, तो ये समझिए कि इन अंग्रेज क्या करते हैं, इनको हटा करके समझिए कि फिर वो दूसरे चरण में, दूसरे युद्ध में, पोर्टोनोवा के युद्ध में, पोर्टोनोवा नामक स्थान पे लड़ा जाता है, इसलिए पोर्टोनोवा का युद्ध कहा जाता है। कि दूसरे चरण में क्या करते हैं अंग्रेज, दूसरे चरण में आयरकूट को लाते हैं। अब ध्यान दीजिए आयरकूट कौन है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि आयरकूट वही है समझिए कि भारतीय टीम के विराट कोहली ठीक, भारतीय टीम के विराट कोहली। अब समझिए एक जहां भी अंग्रेज हारते थे वहां तुरंत आयरकूट को भेज देते थे ठीक, वहां तुरंत समझिए कि आयरकूट को भेज देते थे। तो फिर क्या होता है कि 1781 ईस्वी में आयरकूट ने हैदर अली को घायल कर देता है 81 ईस्वी में, यानी कि यहां पे हैदर अली पराजित होते हैं। ध्यान दीजिएगा हैदर अली बस घायल होकर के पराजित होते हैं, लेकिन युद्ध में निर्णायक युद्ध नहीं होता है ठीक। अब देखिए फिर इनके हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है ठीक, मृत्यु हो जाती है। फिर एंट्री होती है बाप से महान बेटे की, यानी कि हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की ठीक, दूसरे में ही। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, वो समझिए कि जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो सदमे में रहते हैं। फिर समझिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर में एक संधि करते हैं, उस संधि का नाम है मंगलौर की संधि ठीक, मंगलौर की संधि यानी दूसरे युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हो जाती है 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है, लेकिन किसके मध्य होती है ध्यान दीजिएगा, दूसरे आंग्ल मैसूर में समझिए जो संधि होती है, हैदर अली के मरने के बाद 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान रहते हैं, उस समय हो मतलब अपने अंडर ले लेते हैं सब कुछ, टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के मध्य युद्ध संधि होती है, मंगलौर की संधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, किसमें होता है, दोनों एक दूसरे का जीता हुआ क्षेत्र वापस कर देते हैं ठीक। फिर देखिए फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो समझिए तृतीय आंग्ल मैसूर में लॉर्ड कार्नवालिस होते हैं, वही लॉर्ड कार्नवालिस जो समझिए कि अस्थाई बंदोबस्त के पिता माने जाते हैं भारत में, समझिए कि ये होता है 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें समझिए कि टीपू सुल्तान बुरी तरह से पराजित होते हैं, पराजित करने के बाद उनसे 3 करोड़ रुपए की क्षति ले जाती है और समस्त जीते हुए राज्य वापस करना पड़ता है। और समझिए कि एक इनके 3 पुत्रों को लॉर्ड कार्नवालिस अपने अधीन ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस तृतीय आंग्ल की समाप्ति जो होती है वो कैसे होती है, तृतीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति हो जाती है ठीक। फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण सबसे बड़ा है वो है लॉर्ड वेलजली
के द्वारा सहायक संधि स्वीकार न करना, ठीक, सहायक संधि स्वीकार न करना, यानी कि आक्षेप लगाया गया सहायक संधि वो था कि वो समझे राज्य अपने कब्जे में ले लेते थे। वो बताए थे आपसे कल वाली क्लास में कि कौन वेलजली थे सहायक संधि करते हैं 1799 ईस्वी से, ठीक, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध सबसे करते हैं। अभी जब वेलजली पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक। तो ये समझिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और मैसूर पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, ठीक। तो यही आपको पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ गया। यानी कि चार समझिए कि युद्ध पढ़ने हैं, और समझिए कि कहा जाता है कि ये टीपू सुल्तान समझिए कि इतने शक्तिशाली थे कि समझिए कि अपना प्रशासन भी चलाते थे, और हैदर अली समझिए कि सोने चांदी का सिक्का चलाते थे, समझिए कि उसमें राम सीता कृष्ण की मूर्ति के आकार का सिक्का हैदर अली चलाए हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं इसको विस्तृत रूप से कैसे क्या करना है, ठीक। अब समझिए कि यही पढ़ना है, लेकिन अब आइए इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप देते हैं। मैसूर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैसूर था क्या, ठीक, मैसूर राज्य की स्थापना, ठीक, यानी विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार राजवंश ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। अगर क्वेश्चन आ जाए मैसूर राज्य की स्थापना कौन किया था, वाडियार राजवंश का एक व्यक्ति था, वही किया था, ना कि हैदर अली टीपू सुल्तान किए थे, ठीक। हैदर अली टीपू सुल्तान इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। क्यों शक्तिशाली थे, समझिए कि यही एकमात्र मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम शासक कहिए या कोई भी शासक कहिए, जो समझिए कि अपने राज्य के बचाने के चक्कर में, भारत को बचाने के चक्कर में अंग्रेजों से लड़े थे और अंग्रेजों को पराजित भी किए थे, ठीक। यानी इसीलिए कहा जाता है प्रथम व्यक्ति कौन है जो अंग्रेजों को पराजित किया था, तो हैदर अली था, ठीक। आइए 18वीं शताब्दी में इस वंश का शासक चिक्का कृष्ण राज हुआ, हैदर अली, आइए देखते हैं, ठीक। हैदर अली हैदर ने मराठों का मुकाबला करने के लिए कुशल घुड़सवारी भर्ती तथा निजाम, ठीक ना, ये हुआ। और समझिए कि एक डिंडीगुल में, बताए थे ना डिंडीगुल में, अगर क्वेश्चन आ जाए डिंडीगुल में शस्त्रागार यानी शस्त्र बनाने के कारखाने कौन खोला था, समझ जाइए फ्रांस के सहयोग से तमिलनाडु में हैदर अली खोले थे। डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना करते हैं कौन, हैदर अली। अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थापित करवाते हैं, ठीक, ये श्रीरंगपट्टनम स्थापित करवाते हैं, ठीक। और समझ श्रीरंगपट्टनम में विजय वृक्ष लगवाते हैं टीपू सुल्तान, ध्यान दीजिएगा दोनों इसी जगह देख लीजिए, राजधानी हैदर अली बनवाते हैं और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाता है, टीपू सुल्तान, ठीक। देखिए दक्कन की भारतीय ताकतों में, यानी कि संपूर्ण दक्कन ही मत समझिए, संपूर्ण भारतीय ताकतों में पहला ऐसा व्यक्ति था हैदर अली, पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, कब, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, अभी आएगा बताएंगे, ठीक। अब देखिए हैदर अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए समाज से क्वेश्चन है कि हैदर अली चामुंडेश्वरी देवी मंदिर बनाने के लिए समझिए कि दान देते हैं और तांबे सोने के सिक्के पर शिव पार्वती विष्णु की मूर्तियां अर्पित करते हैं, जैसे मोहम्मद गोरी ने किया था देवी की मूर्ति का, अकबर ने किए थे राम और सिया की आकृति के सिक्के जारी करते हैं। तो ये भी समझिए कि शिव पार्वती और विष्णु, यानी कि ये बहुत सहिष्णु और बहुत महान राजा था, ठीक। अब आते हैं इनके पुत्र टीपू सुल्तान, अब समझिए कि बाप से ज्यादा महान बेटा था यहाँ पे, ठीक। यह हैदर अली का पुत्र था, ध्यान दीजिए हैदर अली का पुत्र था, इसने बादशाह की उपाधि धारण की, ध्यान दीजिएगा बादशाह की उपाधि धारण की। अब ध्यान दीजिए जैकोबीन क्लब का सदस्य बना, जैकोबीन क्लब क्या था, ध्यान दीजिए जैकोबीन क्लब था फ्रांस का कट्टरवादी सामाजिक संगठन था, समाज
फ्रांस का कट्टरवादी सामाजिक संगठन था, जो समझिए कि 1779 ईस्वी में टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य बनते हैं, यानी अपने भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाते हैं। ठीक, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हैं और क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, टीपू ने एक नया कैलेंडर चलाया था और माप तौल के लिए एक नई प्रणाली लगाया था। अब ध्यान दीजिए, नया कैलेंडर चलाए थे और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब देखिए, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े थे और आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि ये सोचिए कि हम कैसे, अंग्रेज ये सोचते थे अब कैसे हम मैसूर को भी समाप्त कर देते हैं, तो चार युद्ध लड़े जाते हैं, आपको बता चुके हैं। देखिए, चार आंग्ल मैसूर लड़े जाते हैं, प्रथम को छोड़कर तीनों अंग्रेज विजयी रहे। अब जान लीजिए, प्रथम को छोड़ करके तीनों अंग्रेज विजयी होते हैं। क्यों? क्योंकि समझिए, उनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अब समझिए, भारत में पूर्ण रूप से वो अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, अब इनके सामने मात्र एक चुनौती थी, वो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर में क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो समझिए मराठा और हैदराबाद के निज़ाम को मिला लेते हैं, लेकिन हैदर अली भी कम चालाक नहीं है। हैदर अली क्या करते हैं कि चित्रगुप्त को तोड़ करके मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ ला देते हैं और समझिए कि अंग्रेजी सेना को पराजित कर देते हैं। इसीलिए माना जाता है कि हैदर अली पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को पराजित किए थे। ठीक, आइए देखते हैं, इस युद्ध में मराठा निज़ाम अंग्रेजों की तरफ से थे, परंतु हैदर अली कूटनीति का प्रयोग करके मराठा व निज़ाम को अपने पक्ष में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहे थे कि निज़ाम को समझिए कि सत्ता का लालच दे करके, हैदराबाद में हम आपको सत्ता देंगे उनका लालच दे करके, और इनको समझिए कि मराठा को चौथा और समझिए कि देशमुख, ठीक, वो कर दे करके कि इनको पैसे की लालच दे करके अपने पक्ष में मिला लेते हैं। कौन? हैदर अली। और अंततः हैदर अली की जीत होती है, और जो समझिए कि इस युद्ध की समाप्ति होती है वो मद्रास की संधि, यानी पहले आंग्ल मैसूर की समाप्ति जो होती है वो समझिए कि आंग्ल मैसूर की समाप्ति मद्रास की संधि से होती है। इसी संधि को प्रतिरक्षात्मक की संधि भी कहा जाता है। ठीक, प्रतिरक्षात्मक की संधि भी कहा जाता है। फिर आता है द्वितीय, अब युद्ध का द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक, इसका कारण क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर का कारण क्या है, ध्यान दीजिए, मद्रास जब संधि हुआ था तो इसका समझौते, देखिए पीरियड जान लीजिए 80 से 84 ईस्वी तक, ठीक, लेकिन ये आप जानिए कि 84 में लास्ट संधि हुई थी, द्वितीय संधि हुई थी मंगलोर की संधि, जिसके वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति हो जाती है। जब मैसूर युद्ध होगा तो कारण तो कुछ बताना ही पड़ेगा ना अंग्रेजों को, यानी जो लड़ेगा युद्ध जबरदस्ती करके या फिर ऐसे भी करके, वो कारण तो बताएगा ना, लोग पूछेंगे क्यों लड़ रहे हो, हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, कोई कारण तो होगा ना तैयारी करने का। तो इसीलिए जानिए, सब कुछ के पीछे कोई ना तो कोई कारण होता है, वो कारण पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो मद्रास समझौते का उल्लंघन करना था, जिसके उल्लंघन करना था और जिसके अतिरिक्त मराठों द्वारा हैदर के राज्य पर आक्रमण करने से अंग्रेज द्वारा सहायता प्रदान न करना। ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया कि जब प्रथम संधि हो गई है, मद्रास की संधि हो गई है, यानी कुल मिला के जानिए कि मद्रास की संधि की अवहेलना किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अवहेलना किया गया। क्यों? क्योंकि समझिए कि ये कहा जाता है कि इनके बंदरगाह था मही बंदरगाह, ये समझिए कि फ्रांस को दे दिए थे, और समझिए कि उस बंदरगाह पे क्या था, अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था, इस कारण हैदर अली पुनः आक्रमण करते हैं। ठीक, आइए पोर्टोनोवा के युद्ध में, इससे पहले देखिए, इससे पहले आपसे बताए थे कि 80 में क्या होता है कि 1780 में क्या होता है कि हैदर अली क्या होते हैं, हेक्टर मुनरो को पराजित कर देते हैं, फिर समझिए आयरकूट को बुलाया जाता है। ठीक, तो पोर्टोनोवा नामक स्थान पे पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयरकूट ने, ध्यान दीजिएगा, आयरकूट बहुत बड़ा विजेता है, कभी हारा ही नहीं किसी से। अभी जब फ्रांस का पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा, जहां भी युद्ध होता था अंग्रेज इसी को भेज देते थे,
जैसे चुनाव में समझिए पीके साहब हैं अपने, अब कहीं भी चुनाव होता है रणनीति बनाने के लिए समझिए सब लोग उनको बुला लेते हैं तो वो जीत भी जाते हैं। तो इसी तरह समझिए कि आयरकूट थे, हैदर अली को परास्त कर दिया, युद्ध में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक, जब मृत्यु हो गई तो संधि होती है मैंगलोर की संधि। इस मैंगलोर की संधि कौन करते हैं, समझिए कि द्वितीय युद्ध की समाप्ति हो जाती है इसी मैंगलोर के युद्ध से। टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली तो 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो संधि कौन करते हैं, टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, किंतु एक वर्ष बाद 1784 में उसने अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि कर ली। अब संधि में क्या था, जो जीता हुआ दोनों का राज्य था वो आपस में वो हो गया, मतलब बट गया, और यही निर्णायक युद्ध था तृतीय आंग्लम मैसूर युद्ध। अब तृतीय बता चुके आपको, समझिए कि टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के मध्य हुआ था। अब कार्नवालिस समझिए कि जीत जाता है। अब ये कार्नवालिस का कमेंट क्या है कि कार्नवालिस ये कहता है कि हम अपने मित्रों को प्रभावी किए बिना, यानी कि शामिल किए बिना, समझिए कि अपने शत्रु को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, पंगु को बना देते हैं। ठीक, ये कमेंट, यानी कि अपने शत्रु को पंगु बना देते हैं बिना मित्र को शामिल किए ही। ठीक, एक कमेंट कार्नवालिस का है, ध्यान दीजिए कार्नवालिस का है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर भी समझिए कि टीपू सुल्तान की पराजय होती है, और समझिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति के लिए 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है, टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए समझिए अंग्रेज को देने होते हैं, और जिसके उपलक्ष में जिसके समझिए कि फिरौती की रकम में, जब तक आप फिरौती नहीं देंगे तब तक टीपू सुल्तान के 3 पुत्र इनके कार्नवालिस के कब्जे में रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 3 पुत्रों को भी वो अपने कब्जे में ले लिए थे कार्नवालिस, कि आप पैसे दे करके अपने पुत्र को ले जाइए। ठीक, अब देखिए इस संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया, और 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी, और समझिए कि 3 पुत्रों को भी उनके यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर था, कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलजली के समय में हुआ था। इसका कारण क्या था कि टीपू सुल्तान द्वारा लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को अस्वीकार करना, यानी कि सहायक संधि को न मानना। ठीक, सहायक संधि को न मानना, यही कारण था। और समझिए कि फिर यही कारण ढूंढ करके वेलजली ने हैदर अली को समझिए कि मार देता है, और इसमें कोई भी संधि नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जब मर जाते हैं तो कौन संधि करने आएगा, कोई संधि नहीं। अब यहीं से समझिए कि इनका समझिए कि अंत हो जाता है, टीपू सुल्तान और हैदर अली का। ठीक, अब फिर क्या होता है कि देखिए, जब वहाँ पे वेलजली 99 में मैसूर आक्रमण करता है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम यानी कि राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। देखिए 1799 ईस्वी में, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा है बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर में युद्ध के समय ही इनकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। ठीक, अब समझिए कि अंग्रेजों ने वाडियार वंश, जो समझिए इनकी नींव रखे थे, वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक, अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर की सफलता के बाद एक कमेंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा कमेंट है, कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों तले है, यानी कदमों में है। कौन कहा था, वेलजली साहब कहे थे, अब पूर्व का राज्य यानी पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में, यानी कि हमारे पैरों तले है। बहुत बड़ा कमेंट है, ठीक, कदमों में है। अब देखिए आते हैं, अब समझिए कि सिख, तीसरे सिख हैं। सिख में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं सिख में कैसे आप याद रखेंगे, कैसे कि आपको याद रहे, तो ध्यान दीजिएगा सिख पहले जान लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आता है। सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनका सिक्वेंस सबसे पहले संस्थापक सिख धर्म का, सिख धर्म द्वारा जो चलाया गया ग्रंथ, चलाया गए नीति, सिख धर्म में ग्रंथ, सिख धर्म में के कौन कौन जो गुरु थे,
जिनको मारा गया, ठीक। और समझिए कि क्या क्या नया नया स्थापना किए थे, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक। सबसे पहले जान लीजिए कि गुरु सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक करते हैं, गुरु नानक, फिर अंगद, ठीक। अब आइए फिर, जैसे पांचवें गुरु की हत्या जहांगीर करवाए थे, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर करवाए थे, और नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवाते हैं, अब ध्यान दीजिए। और दसवें गुरु गोविंद सिंह दल खालसा 1699 ईस्वी में दल खालसा की नियुक्त करते हैं। और समझिए, जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठते हैं तो उनका सहयोग करते हैं दसवें गुरु, वो स्वाभाविक मौत मरते हैं। जब वो मर जाते हैं तो समझिए कि उनकी जो सेवक हैं बंदा बहादुर, वो समझिए कि सिख धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बंदा बहादुर की भी को फांसी पे चढ़ाने वाला मुगल बादशाह फर्रुखसियर है, ठीक। आइए बारी बारी से इसको देखते हैं, सिख धर्म बहुत बड़ा, समझिए कि एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका प्लस पॉइंट है, और सबसे आप एक क्वेश्चन आगे हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान दीजिए, संस्थापक गुरु नानक पंजाब में किए थे, ठीक, जिनका जन्म समझिए 1679 ईस्वी के तलवंडी में हुआ था, ठीक। अब ये सब कुछ भी नहीं, कोई मतलब का नहीं है, ठीक। अब देखिए, गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, इन्हें नानक पंथ चलाया था, कुल 10 से गुरु हुए थे, ठीक। आप सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, सीक्वेंस हम बताएंगे कैसे याद रखना है, ठीक ना। गुरु नानक संस्थापक, गुरु नानक, फिर अंगद, सब में गुरु गुरु लगा है, ध्यान दीजिएगा, गुरु को हटाइए आप, ठीक। नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण, तीन, जैसे पांचवें, बस जैसे दो भागों में बांटिए, पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें के बाद हर गोविंद, हर कृष्ण, हर राय, फिर नवें गुरु तेग बहादुर, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यानी कि पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले पांचवें, नौवें, दसवें तो याद है, पहले के संस्थापक हैं, पहले गुरु तो संस्थापक हुए थे, इसलिए गुरु नानक है, पहले नानक है, गुरु नानक। अब पांचवें अर्जुन देव जिसकी हत्या, समझिए कि हत्या हुई है किसके कार्यकाल में, जहांगीर इनको मरवा दिए थे, जहांगीर मरवा दिए थे। नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह जिनकी हत्या औरंगजेब करवा दिए थे। और दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब समझिए कि अगर आपको चार भी याद है, फिर भी आप समझिए कि कब कर ले जाएंगे, ठीक। अब समझिए, वैसे आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु आनंद द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, इस समय बहुत चर्चा में है लंगर व्यवस्था, ठीक। लंगर व्यवस्था को नियमित कर किया और गुलरुखी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ध्यान दीजिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने वाले अंगद जी हैं, गुरु अंगद, ठीक। और लंगर व्यवस्था को नियमित किए, लंगर व्यवस्था समझिए कि सिख धर्म का बहुत बड़ा वो है, कि ये माना जाता है कि समझिए कि अगर आप सिख के पड़ोसी हैं तो आपको बिना खाना खिलाए एक खुद नहीं सोएंगे, आप भूखे नहीं रह सकते, ठीक। लंगर व्यवस्था एक क्या, और समझिए कि गुरु मुखी लिपि का आविष्कार करते हैं, ठीक। अमरदास अकबर के समकालीन थे, इन्हें गद्दी पर गोविंदवाल, ध्यान दीजिएगा, ये अकबर के समकालीन थे, ठीक। कौन, अमरदास और गुरु रामदास, ध्यान दीजिएगा, अकबर के समकालीन इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था, आप नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो रामदास, ठीक, चौथे गुरु स्थापना की थी, और रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अब तक पैतृक नहीं था, चौथे गुरु के बाद पांचवें गुरु से ये हो गया, मतलब
बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। ठीक, अब आइए पांचवें गुरु। पांचवें गुरु उसको सच्चा पातशाह कहा जाता है, जिनकी रचना आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ के लेखक हैं। इनको समझिए कि जहांगीर ने इनकी मृत्यु जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, अब खुसरो का ये सहयोग किए थे खुसरो जहांगीर के विद्रोह कर दिए किए थे। अब जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, अब खुसरो का समर्थन अर्जुन देव करते हैं। तो इस वजह से कि अर्जुन देव कह दिए जहांगीर कि आप खुसरो को राजा बनाना चाहते हैं। ठीक, इनसे बगावत कर दिए थे खुसरो। तो इसलिए समझिए कि मतलब भ्रम में आकर के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं। ठीक, आइए अब देखिए आदि ग्रंथ का की रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव साहब किए हैं। ठीक, अब देखिए मृत्यु कैसे होती है? जहांगीर ने, अब ध्यान दिए, खुसरो के समर्थकों समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में जिस समय अकबर की मृत्यु होती है उससे बस एक साल बाद इनको समझिए कि मार दिया जाता है। ठीक, इनको पांचवें गुरु अर्जुन देव। अब देखिए हरगोविंद, समझिए कि हरगोविंद आते हैं, जो समझिए कि सैनिक पद, मतलब ये कहे थे अब लड़ाकू बने हैं, सैनिक पद का सृजन करते हैं। फिर देखिए सातवें हरगोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक, छठवें हरगोविंद, सातवें हर राय, आठवें हर किशन। ठीक, ये क्या करते हैं, इनके समय में शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और दारा शिकोह इनसे मिलने आया था। अगर क्वेश्चन आ जाए दारा शिकोह किस गुरु से मिलने गए थे, तो हर राय से मिलने गए थे। ध्यान दीजिएगा, हर राय, हर किशन। अब आते हैं नौ, आठवें हर किशन। अब नौवें देखिए तेग बहादुर, यानी तेग बहादुर बस इसलिए फेमस हैं, इनको औरंगजेब ने मार दिया था, ये नौवें गुरु हैं। ठीक, नौवें गुरु हैं और औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। हत्या क्यों किया? औरंगजेब के पुत्र होते हैं अकबर इनसे, औरंगजेब से विद्रोह करके इनके पास जाते हैं और ये इनको संरक्षण प्रदान करते हैं अकबर को। ठीक, तो फिर जहांगीर इनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। ठीक, अब गुरु गोविंद सिंह, अब गुरु गोविंद सिंह समझिए कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम बादशाह जो 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना करते हैं। ये डेट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1699 दल खालसा की स्थापना करते हैं। ठीक, ठीक, अरे बंदा बहादुर को बता चुके हैं। मूल नाम इनका देखिए लक्ष्मण दास था, वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण दास पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों के सेना नायक हुए और इसने लवगढ़ को अपनी राजधानी बना और फर्रुखशियर द्वारा इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो समझिए बंदा बहादुर प्रथम सिख राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि समझिए कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो फांसी के द्वारा होती है। ठीक, अब समझिए सिखों को कितने मिसलों में बांटा गया है। सिखों को 12 मिसल में बांटा गया है। मिसल मतलब समझिए कि जैसे कुल, मिसल मतलब जैसे होता है कि कितने भागों में बांटा गया है सिखों को, तो 12 भागों में बांटा गया है। समझिए कि इसके कौन कौन मेन हैं, तो समझिए कि जैसे 12 मिसल में बांटे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन समय में पंजाब राज्य में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई, ये राज्य मिसल कहलाए। ध्यान दीजिए ना, जो छोटे छोटे राज्य की स्थापना होती है जो उस राज्य को मिसल कहलाए। मतलब मिसल मतलब समझिए कि जैसे कबीला, ठीक, जैसे आप वेद पढ़े हैं, वेद जैसे ऋग्वेद में जैसे कितने वो थे, क्या बोलते हैं, मिल से भारत का हुआ था, जैसे पुरु, तुरु, तुर्वस, अनु, द्रुहु, भरत, इस कबीले थे। वैसे ही ये भी 12 मिसल में बटे थे, पंजाब राज्य में 12 मिसल में काम कर रही थी। इसमें सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल थी,
एक भंगी मिसल एक अन्य थी शुकर चकिया। शुकर चकिया जो मिसल थी इसके महाराजा रणजीत सिंह हैं। ठीक, इसके महाराजा रणजीत सिंह हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक ना। गद्दी पर बैठते हैं और अपनी राजधानी समझिए कि बनाते हैं। राजधानी समझिए कहाँ पे बनाते हैं, समझिए कि लाहौर में अपनी राजनीतिक राजधानी बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 1799 कोई मतलब का नहीं है, रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी 1700 कहाँ पे, लाहौर पे। अब इनकी आधिकारिक राजधानी धार्मिक राजधानी कहाँ थी, ध्यान दीजिएगा अमृतसर में। क्यों अमृतसर में, अमृतसर में समझिए कि अमृतसर की स्थापना हुआ था, तो अमृतसर में अपनी धार्मिक राजधानी बनाते हैं और राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाते हैं। ठीक, अब समझिए अमृतसर की संधि होती है किसके किसके मध्य, रणजीत सिंह और चार्ल्स मैकटाफ के मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बस इनको बस इतना ही जानिए, अमृतसर की संधि हुई थी किसके किसके मध्य, रणजीत सिंह और चार्ल्स मैकटाफ के मध्य हुई थी। इस संधि के अनुसार सतलज नदी को दो राज्यों की सीमा निर्धारित की गई, सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की जाती है और लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रखी गई, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अब क्या होता है कि जैसे रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे रणजीत सिंह की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ये पूछता ध्यान दीजिएगा, चारों आप लिख लीजिएगा, अंतिम उत्तराधिकारी जो थे वो दिलीप सिंह थे। ठीक, दिलीप सिंह थे। तो अब देखिए कि जैसे आप आंग्ल मैसूर हुआ था तो वैसे समझिए कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अब देखिए अब एकमात्र राज बचे हैं वो सिख बचे हैं। अब सिख में जो समझिए कि ये समझिए बस टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। अब याद करिए तीन सिख युद्ध हुए हैं 1845 से 46 लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, इसमें समझिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक, ये लाहौर के संधि द्वारा ये समाप्त होता है। ठीक, अब दूसरा युद्ध होता है आंग्ल सिख युद्ध होता है 48 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, और तीसरा भी होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो समझिए कि इसके बाद क्या होता है कि डलहौजी पूर्ण रूप से इनको पराजित करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं। और मार्च 1849 में डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और दिलीप सिंह को शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लंदन वाला क्वेश्चन दिलीप सिंह का क्वेश्चन पूछ चुका है, दिलीप सिंह कहाँ गए, लंदन गए, डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, दिलीप सिंह लंदन गए थे या क्या नहीं गए थे, विदेश यात्रा किए थे कि नहीं किए थे, तो ध्यान दीजिएगा गए थे। ठीक, अब पंजाब प्रशासनिक व्यवस्था को तीन जिलों में तीन कमेटी बनाई गई, जो बहुत महत्व का नहीं है लेकिन ये लास्ट महत्व है। समझिए कि जो डलहौजी पंजाब, यानी डलहौजी पंजाब को अपने अधीन कौन किया था, तो डलहौजी किए थे 1849 में। ठीक, और यहीं से समझिए कि अपूर्ण रूप से अब कोई भी वैसा राज्य नहीं बचा है, बस बचे हैं बस इसके बाद क्या है कि समझिए कि जो और एक अंग्रेज विजय कर लेते हैं तो समझिए पूर्ण रूप से अब अंग्रेज किसी से डरेंगे नहीं, 1857 की क्रांति। ठीक, अब समझिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज तो समझिए कि बहुत अच्छी क्लास थी, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। अब आज के लिए यहीं तक के लिए, थैंक यू सो मच।